हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं हूं अंजलि। आरएसटी किचन चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है एक न्यू रेसिपी के साथ। तो फ्रेंड्स, आज हम न्यू रेसिपी में बनाएंगे लच्छेदार पकोड़े, जो कि खाने में काफ़ी टेस्टी होते हैं। बट हाँ फ्रेंड्स, ये हम सिर्फ बेसन और प्याज के पकोड़े नहीं बना रहे हैं, आज हम थोड़े से डिफरेंट तरीके से पकौड़े बनाएँगे, जो कि इसका टेस्ट है ना काफ़ी टेस्टी होता है। ये मैं डेली ट्राई करती हूँ और मुझे ये पकौड़े काफ़ी टेस्टी लगते हैं और मेरी फैमिली को भी, सबको पसंद आते हैं, आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। तो ये देखिए, ये पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े साइज आलू को छीलकर अच्छे से कद्दूकस कर ले और उसे 3 से 4 पानी से धो ले। धोने के बाद क्या करता है फ्रेंड्स, इसे रख देना है साइड में। अच्छे से वॉश करके इसे हमने रख दिया है साइड में। अब हमने क्या किया है, एक कटोरी में बेसन ले लिया है। बेसन आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से ही यूज़ करेंगे, क्योंकि आपको जितना पकौड़े बनाना होगा आप उसी के हिसाब से बेसन ले लें। फिर उसके बाद इसी में हमने ऐड किया है थोड़ा सा हल्दी पाउडर, नॉर्मल मसाला जो कि घर पे आता है, और थोड़ा सा पास्ता मसाला, और थोड़ा सा चिल्ली फ्लेक्स, और थोड़ा सा जीरा, और लास्ट में हमने ऐड किया है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और हरी धनिया। इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद हमने थोड़ा पानी ऐड किया और अच्छे से मिक्स किया है। पानी एक ही साथ ऐड ना करें, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके अच्छे से बैटर को बना लें। फिर उसके बाद फ्रेंड्स, इसी में जो हमने कद्दूकस किया था आलू, उसे हमने देखिए अच्छे से वॉश करके पानी को सुखवा लिया है। पानी उसमें बिल्कुल भी नहीं है, पानी को निचोड़ कर हमने बाहर कर दिया, और ये जो आलू है इन्हें हमने ऐड कर दिया है। तो देखिए, कद्दूकस किया हुआ आलू को ऐड करके अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, आलू तो हमने डाल दिया है, बट हाँ एक चीज़ की कमी है, क्योंकि उसके बिना ये पकौड़े बहुत ही अधूरे रहते हैं, वो है प्याज। तो देखिए, यहाँ पे इस तरीके से लच्छेदार हमने प्याज को कट कर लिया था, वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। प्याज को भी ऐड कर दिया, सारी चीज़ को भी ऐड कर दिया, मसाले भी ऐड हो चुके। अब हमने क्या किया, फटाफट से इसे फ्राई करने स्टार्ट कर दिया। तो देखिए, गैस को ऑन करके कढ़ाई रख के कढ़ाई में डाला तेल। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर हम पकौड़े को फ्राई कर रहे हैं। पकौड़े फ्राई करते समय फ्रेंड्स, बस एक ही चीज़ का आपका ध्यान रखना है, वो है क्या, गैस का फ्लेम जो होता है ना, वो मीडियम फ्लेम पे रहना चाहिए। हाई फ्लेम पे कभी भी पकोड़े को फ्राई ना करें, नहीं तो उसका जो टेस्ट होता है ना वो तो अलग आता ही है, लेकिन उसका जो कलर होता है ना वो भी बहुत ही अलग ही दिखता है कलर, यार वो अच्छे नहीं लगते हैं पकोड़े। इसलिए कभी भी ध्यान रखें, पकौड़े को मीडियम टू लो फ्लेम पर या फिर मीडियम फ्लेम पर फ्राई करें। तो मैंने अच्छे से क्रिस्पी होने तक पकौड़े को फ्राई कर लिया है, और देखिए फ्रेंड्स, कितने ब्यूटीफुल पकौड़े दिख रहे हैं और बहुत ही टेस्टी भी दिख रहे हैं। सच में यकीन मानिए, जो जितने टेस्टी दिखते हैं पकोड़े ना, उससे ज़्यादा ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। मैं आपको एक पकोड़े तोड़कर भी दिखा देती हूँ कि कितने ये बाहर से क्रिस्पी होते हैं और उतने ही अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो देखिए ना फ्रेंड्स, मैंने आपको एक पकोड़े तोड़कर भी दिखा दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।